नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजकल फैल रहे बड़े ही बेकार तरीके के चैलेंजेस के बारे में। ये दो चैलेंजेस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, पूरी सच्चाई आपके सामने रखूंगा और इनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ ये भी बताऊंगा और अभी क्या अपडेट है इनके बारे में वो भी शेयर करूंगा। सबसे पहला चैलेंज है मोमो चैलेंज। जी नहीं, ये खाने वाला मोमो नहीं है, ये कुछ अलग चैलेंज है और जैसे ब्लू व्हेल गेम निकला था उस तरीके का ये है। बच्चों को इफेक्ट करता है, बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। वही चीज़ें हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों पर नज़र रखें। मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स बच्चों पर नज़र रखें कि वो कहीं कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, अपने साथ खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, खुद की जान ना ले लें, छत से कूद जाएं, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे। उनका ध्यान रखिए अपने बच्चों का। तो इसकी इसका ओरिजिन कहाँ है? इस मोमो चैलेंज का जो ओरिजिन है वो एक आर्ट से होता है और जो ये आर्ट है ये मदर बर्ड की है। जो चेहरा है वो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो बहुत हॉरर है, बहुत अजीब सा है और वो किसी की आर्ट है जिसमें कि जो चेहरा है उसमें अजीब सा एक औरत का है जिसमें आंखें बाहर निकली हुई हैं। उसके जो नीचे की बॉडी है वो बेसिकली वो एक नेकेड पिक्चर है जो मैं नहीं दिखा सकता और उसके जो पंजे हैं वो बर्ड के हैं। तो ये एक हॉरर आर्ट है मिडोरी हायाशी नाम के एक आर्टिस्ट की, ठीक है। इसने ये आर्ट बनाई है, हॉरर आर्ट बनाते हैं लोग, उनका शौक है और लोग ऐसी आर्ट्स को शायद पसंद भी करते हैं। तो ये बनाई गई पेंटिंग आर्ट है और इस फोटो का इस्तेमाल किया गया है इस चैलेंज के लिए जिसमें ये व्हाट्सएप के थ्रू फैलता है। मेक्सिको, रशिया और कुछ नंबर हैं जो दो तीन देशों के, उनसे लोगों को फिर ऐड किया जाता है, उनको मैसेजेस भेजे जाते हैं और वही सब उनको खुद को नुकसान पहुंचाने की सब चीज़ें को, इन सब चीज़ों का सिलसिला चल रहा है। अर्जेंटीना में 12 साल की एक बच्ची है जिसकी जान चली गई है इसके चलते ही, तो वहाँ पर खोजबीन चल रही है, पड़ताल चल रही है। तो अभी इंडिया में इसके कोई भी केस नहीं है, तो क्या हम इंडिया में केस आने का इंतज़ार करेंगे? मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ एक होक्स है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा कोई भी गेम या कुछ आपकी कभी जान नहीं ले सकता, इन केस आप खुद ही अपना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को मैसेज भेजे जाते हैं, बोला जाता है कि शाप दिया जाता है उन्हें कि हम तुम्हें शाप दे देंगे, नहीं तो तुम ये करो वो करो। अब जो बच्चे हैं जो थोड़ा दिमागी तौर पर ज़्यादा वल्नरेबल हैं इन सब चीज़ों को, या इन सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि शाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर वो सब चीज़ें करते हैं, खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। आपको नहीं करना चाहिए, आप सभी जानते हैं, सभी बता रहे हैं, ये सारे न्यूज़ चैनल्स में, सारे न्यूज़पेपर वगैरह में ऑलरेडी आप सुन चुके हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, इसका कोई भूत प्रेत आत्मा से कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये फालतू का चैलेंज है। अगर वो आपको फोटो कहीं नज़र आए तो वो एक सिर्फ आर्ट है, वो एक हॉरर आर्ट है, फिक्शन है और वो रियलिटी नहीं है, इससे आप दूर रहिए, ठीक है। कोई भी भेजे, कोई भी बोले तो हंस दो और ब्लॉक कर दो, कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं होता। अगला चैलेंज है की चैलेंज। जी हाँ, इंडिया में आ चुका है ये और ये मोमो भूत आत्मा प्रेत आत्माओं से ज़्यादा खतरनाक है। इसमें बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। कर ये रहे हैं कि दो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वो क्या करते हैं, गाड़ी से उतर के डांस करते हैं, हर्ट बनाते हैं और फिर कुछ अजीब सा डांस करके, जो कि कोई आर्टिस्ट है, ड्रेक कैनेडियन आर्टिस्ट है, उसका कोई गाना है, उस पर वो करते हैं डांस गाड़ी से निकल के, दरवाज़ा खोल के साइड में और हर्ट वगैरह दिखा के वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो ये काफ़ी फनी है और मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा है, नाचना चाहिए, गाने गाने चाहिए, गानों पर नाचना भी चाहिए, लेकिन बीच सड़क पर नहीं नाचना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई गाड़ी आपको आके पिचा भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चैलेंज मेरे हिसाब से फनी है लेकिन आपकी जान को खतरा हो सकता है इस, तो मेरा ये मानना है कि इससे दूर रहो। सरकार भी इसके खिलाफ है, ट्रैफिक पुलिस की आंख का ये सबसे बड़ा कंकड़ है क्योंकि आपकी जान की रिस्क है, दूसरों की जान की रिस्क भी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बचाने के चक्कर में बाइक वाला थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाता है और वो बेचारा खाई में गिर जाता है, पत्थर से टकरा जाता है या दूसरी गाड़ियों से टकरा जाता है। तो ये आपकी जान के लिए खतरनाक है, दूसरों की जान के लिए खतरनाक है और मेरी माने तो इससे दूर ही रहे तो अच्छा है। अभी हाल फिलहाल में एक इंसान ने तो सारी हदें पार कर दी और वो ट्रेन के साथ की चैलेंज कर रहा था, उसके घर में और कुछ उसको मिला ही नहीं और इसीलिए वो ट्रेन से बाहर निकल के वो हार्ट वाली शेप बना रहा था। रेलवे पुलिस ने उस सब चीज़ को देख लिया कि ये लड़का क्या कर रहा है ट्रेन में, आजकल तो वैसे भी ट्रेन में लटक लटक के बहुत करते हैं अजीब सी चीज़ें, तो देखा उसको ट्रेन के साइड में की चैलेंज करते हुए और कोर्ट ने उसे 3 दिन रेलवे स्टेशन साफ करने की सज़ा सुनाई है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी सज़ा है और उसको सबक मिल जाएगा। और कोई भी व्यक्ति, मैं बोल रहा हूँ, ये सब चैलेंजेस को ना अपनाएं, मैंने आपको बता दिया है की चैलेंज, मोमो चैलेंज सब खराब है, इनसे दूर रहिए, इन पर हंसिए और इनको कभी भी घर में ट्राई मत कीजिए।
तो यही मेरा मानना है, यही मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट में बताओ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइबर सिक्योरिटी का ये टॉपिक है, आपको साइबर वर्ल्ड में सिक्योर रखना मेरा काम है। अगर आप दूसरों लोगों को सिक्योर रखना चाहते हो तो एक इथिकल हैकिंग कोर्स बनाया मैंने 299 रुपीज का। अगर आप बच्चे हो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में गए हो, इथिकल हैकिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप उस कोर्स को ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे ट्रेंड को मत करो फॉलो जो बनाए आपको फूल। हमेशा ऐसे ट्रेंड को बनाओ और फॉलो करो जो बनाए आपको सुपर कूल।